नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के लिए लैब टेक्नीशियन की गवर्नमेंट वैकेंसी का जॉब नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे, एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें एवं नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन की ये वैकेंसी है, यहाँ पर एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है आपका 12th पास साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए एंड 2 साल का DMLT का डिप्लोमा मांगा गया है। एंड यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है, लिखा है यदि आपके पास में DMLT का डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ पर रेडियोलॉजी या फिर रेडियोग्राफी रिलेटेड सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यदि आपके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो यदि आपके पास में ये है 1 ईयर DMLT, तो 1 ईयर का रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, मतलब 1 साल का DMLT सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, DMLT CMLT, तो 1 साल का है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, वो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। यदि ये नहीं है तो आपको 2 साल का फील्ड एंड लेबोरेटरी एक्सपीरियंस का आप लगा सकते हैं कोई भी प्राइवेट संस्था का, ठीक है। यहाँ पर लिखा है BSc डिग्री सेल बी ट्रेटेड एज 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। यदि आपके पास में BSc की डिग्री है तो वो आप लगा सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आवश्यक योग्यता के तहत। यहाँ पर यह आपकी डिग्री 3 साल के एक्सपीरियंस के तौर पर मान्य की जाएगी। अब देख लेते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो आप लगा दें, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की ये बात होती है कि यदि आपके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ये क्वालिफिकेशन आपको लगाना ही लगाना है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया है वर्किंग एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी टेस्टिंग का होना चाहिए। वेतन की बात करते हैं तो यहाँ पर 20,000 प्लस HRA पर मंथ। यहाँ पर लिखा है इन्होंने एमुलूमेंट्स इन रुपए। एमुलूमेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर आपको फिक्स वेतन दिया जाएगा, कोई भी आपका DA TA ऐड नहीं होगा, लेकिन इन्होंने HRA ऐड किया तो अच्छी बात है। 20,000 प्लस HRA पर मंथ मिलेगा आपको, जितना भी आपका 2,000 3,000 जितना भी बने। एज लिमिट आपकी 30 साल रखी गई है, 18 से लेके 30 साल। एंड इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी मेडिकल की भी पोस्ट है, तो यहाँ पर MBBS MD MS DNB अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये चिकित्सक की पोस्ट है, यहाँ पे इनका वेतन है 67,000 प्लस HRA है एंड एज लिमिट इनकी 40 साल रखी गई है। लैब टेक्नीशियन हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट 2 है, स्पेसिफिक पर COVID-19 टेस्टिंग लैब ICMR की वैकेंसी है पूरी। एंड देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है, यहाँ पर भी मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस वाले अभ्यर्थी ये आवेदन करेंगे। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर DMLT वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं 12th पास साइंस सब्जेक्ट से एंड 2 साल का DMLT का डिप्लोमा। यदि 1 साल का DMLT है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस एंड प्राइवेट संस्था से 2 साल का फील्ड या लेबोरेटरी एक्सपीरियंस लगाना होगा, यदि आपके पास में प्राइवेट संस्था का है, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है एंड यहाँ पर लिखा है वेतन की बात करें तो 18,000 एंड पर मंथ आपको 18,000 वेतन दिया जाएगा, एक मुश्त राशि है, इसमें कोई आपका HRA भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका 12th पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से एंड यहाँ पे स्पीड टेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशन पर हवर थ्रू स्पीच टेस्ट ऑन कंप्यूटर। यहाँ पर स्पीच टेस्ट कंप्यूटर का मांगा गया है, 8,000 वर्ड्स पर घंटे के हिसाब से होना चाहिए आपकी स्पीड, ठीक है। इनका वेतन 17,000 है, एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे, ये भी आपकी मेडिकल की पोस्ट है, यहाँ पर भी MD यानी कि MBBS कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे।
अब बात कर लेते हैं कि अब वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहां से रिलीज किया गया है एवं आप इन पदों पर आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या चयन प्रक्रिया रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ICMR RMRC गोरखपुर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। ICMR का प्रोजेक्ट है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, जॉब है लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी है। यहाँ पर इन्होंने अभी कॉन्ट्रेक्चुअल मेंशन नहीं किया है ड्यूरेशन के कितने साल का है, तो काफ़ी समय तक ये प्रोजेक्ट आपका चलने वाला है। एंड आपका जो इंटरव्यू डेट रखा गया है वो 28 दिसंबर 2022 प्रातः 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इसके रूल बुक के सबसे आखिरी में ऐड है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको प्रॉपरली आप रीड करें, इसके बाद इसका प्रिंट ले लें एंड इसको प्रॉपरली फिलअप करना है। इसके बाद आपके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं इसमें अटैच करना है, देख सकते हैं नवीन फोटोग्राफ, प्रमाण पत्रों, प्रशस्ति पत्रों की प्रतियों एवं मूल प्रमाण पत्रों सहित चयन समिति के समक्ष सत्यापन, साक्षात्कार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र BRD मेडिकल कॉलेज कैंपस गोरखपुर में आपको उपस्थित होना है। ठीक है, पहले से कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है। यदि आप इस वैकेंसी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी 6 प्रति साथ में अटैच करके, वो भी एग्जाम फीस नहीं है, 28 दिसंबर को प्रातः उपस्थित होना है इस एड्रेस पे। ठीक है, एंड अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपको ICMR RMRC गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे कैरियर एंड यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ वैकेंसी, वोकन इंटरव्यू की वैकेंसी है ICMR RMRC गोरखपुर। ठीक है, टेम्पररी पोस्ट है एंड देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इन्होंने मेंशन किया, लास्ट डेट 28 दिसंबर, डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही आप इस पर नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं लाइक जरूर करते जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपके फील्ड का रिलेटेड मटेरियल आपको उपलब्ध रहेगा, वैकेंसी, एग्जाम, एडमिट कार्ड, ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल पर दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।